कुछ करने वाली नहीं है तो टकराव की स्थिति होगी, सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि दो ही शख्सियत ऐसी, एक किसान और एक जवान, अगर यही इस देश में बचने के तो कोई शख्सियत ऐसी नहीं है जो इस देश को बचा ले। ये देखो किसान का दुर्भाग्य है, ये किसान का दुर्भाग्य है। अरे क्या बात, हाँ ये किसान का कैसे है ये, अरे आपको दिखाई दे रहा क्या दुर्भाग्य है? अन्न पैदा करने वाला सड़कों पर अपनी भीख मांग रहा, क्या ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? आप ही बताओ क्या है, चलो बताओ। लेकिन भीख किससे मांग रहे हो? अरे भीख मांग रहे सरकारों पर, सरकारों पर भीख मांग रहे। डेढ़ साल हो गया, पिछले साल गंदा दिया था, डेढ़ साल हो गया, मेरी तरफ देख भी जा, 14 दिन में देता पैसा, एक साल में कहाँ था होगा पैसा इन पे, इन पे पैसा कहाँ था होगा? कहाँ सरकार भी तो तुमने बनाई थी। अरे सरकार बनाई थी, होगी भूल एक बार, झूठ बोल के आ गई। अरे भूल होगी एक बार कहाँ, दूसरी बार, दूसरी बार भूल होगी, तीसरी बार भी कर देंगे, चार बार कर देंगे, देखा कब तक करेगा ये हमारा झूठ बोल बोल कर बनवाओ जो सरकार, क्या बात करे। लेकिन रात प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपकी तरक्की के लिए कानून लाए, क्या क्या तरक्की, तरक्की तो ना बताओ क्या आप डेढ़ साल, अरे डेढ़ छह दिन आएंगे आपके, एक बात सुन लो, अरे मेरे भाई एक बात सुन लो, आए दुगुनी वाकई होगी, इसीलिए तो सड़कों में फिर रहे, इसीलिए तो सड़कों फिर रहे, ज्यादा पैसा आएगा। डेढ़ साल हो गया, डेढ़ साल हाजी उधार खाते खाते डेढ़ साल हो गया, और हम तो फिर रहे सड़कों पे, और वो मिठे महलों में, अरे हमारी सरकार बनाई हुई, हमारे ही नेता बनाए हुए, वो महलों में और हम सड़कों पे, क्यों भाई ऐसी क्या गलती कर दी हमने? अरे उन्हें सोचना पड़ेगा भाई, देश की क्या तरक्की करेंगे, हम 6,000 रुपए दे रहे हैं किसान, 6,000 रुपए सीधे, उसकी तनख्वाह कितनी है पूछा, पूछा उसकी, हम 500 रुपए महीना दे रहे हैं, 6,000 रुपए साल दे रहे, अरे हमारा 500 रुपए दे रहे ना महीने के, 500 रुपए दे रहे, कितना कितना माल आवे तुम 500 रुपए में बता, एक कट्टा खाद का नहीं आता, ढाई का कट्टा 1200 रुपए का है। मोदी सरकार ने 5 किलो अनाज भी दिया है, 5 किलो अनाज तो हम देते 10 किलो उसे, 5 किलो की बात कर रहा है, अरे जोर से हमारा 1500 रुपए गेहूँ बिक रहा, 1500 रुपए 1500 रुपए गेहूँ बिक रहा, समझ रहे, मिलता होगा 1500 रुपए आपको, हमारे पति लिया जा रहा और हम ही वापिस दे रहे, फिर आटा खरीदते हैं जी, आटा क्यों खरीद दो, क्यों बतला पड़ा सड़कों पर गेहूँ, हमारे पास सड़कों पर बतला पड़ा गेहूँ, वो याद आओगा अमेरिका, याद आओगा अगर किसान हट गया ना पीछे, याद आओगा अमेरिका, ले आओ गेहूँ, कब तक ले आओगे, भुखमरी आ जाएगी भारत में, भुखमरी अगर किसान को सताओगे, समझ गए, गुस्से में किसान को सता रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं मैं किसानों के लिए इतनी मेहनत, अरे भाई 6,000 रुपए साल के हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है ये भी तो देखो, अरे छोड़ो यार इस बात को, 6,000 रुपए 500 रुपए महीना किसान की तनख्वाह, आप किसान है वो प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री है तो फिर बनाया हुआ तो महाराज है, प्रधानमंत्री से अपनी तरक्की कैसे नहीं है, महाराज नहीं बनाया हुआ, लड़का पैदा क्यों नहीं, जब पैदा क्यों नहीं, तनख्वाह बढ़ावा ना जब अनाज का भाव बढ़े, जब भी थोड़ी प्रधानमंत्री भाई क्या बात कर रहे, जब बनाया तो उतार भी देंगे हम लोग, जैसे जैसे बना वोट नहीं देंगे और क्या, अब क्या किसान यूनियन जैसे उंगली दबा के बनाया हम लोगों ने, ऐसे उतार देंगे उनको, अरे ये धोखाधड़ी, हाँ ये धोखाधड़ी नहीं चलेगी, अच्छा काम कर रहा हूँ विकास, देख कोई अच्छा काम ना कर रहा, वो 500 रुपए महीना के दे तो 200 रुपया बैंक वाला ले ले किसान से, 5 लाख रुपए 200 ले 200 काट के 300 रुपए देता किसान को, उसको कुछ ना मिल रहा, मोदी जी के सब चमचे बैठे हैं उधर बैंकों में, हाँ ये नहीं हो रहा किसान को कुछ भी, नहीं चलेगा बहकाया नहीं चलेगा, देश की तरक्की होगी, देश की तरक्की क्या करोगे, हम क्या करने वाले, हम तो मरने मानने को आए बड़े बूढ़े, खून साले खून खच्चर करेंगे, देख यही बॉर्डर पे मरेंगे, ऐसी बात क्यों कर रहे हो, ऐसी बात नहीं, बच्चे पढ़े घर में, स्कूल 5-5 बच्चे है, पोती पोते पढ़े वो स्कूल नहीं जा रहे, पैसे नहीं है घर में, बैंक में पैसा निकालने जाए तो पैसे नहीं निकाल रहे, तो क्या करे किसान, तो आप बताइए लोग, वो तो कह रहे हैं आपके अच्छे दिन आ जाएंगे भाई, अच्छे दिन है का, 5 साल इंतजार करिए ना, 5 साल में तो अच्छे दिन आए ना, अब 2 साल में अच्छे बुला देगा, क्या बात कह रहे हो, ये तो और बुरे बुलाने वाला है, लेकिन ये कानून तो आपकी सहूलियत के लिए बनाए गए ना, कोई सहूलियत नहीं है हमारी, कोई सहूलियत नहीं है, सहूलियत होती किसान यहाँ पड़ते, यहाँ किसान ही क्यों पड़ते, सड़कों पड़ता है, सड़कें सड़कों पर लेट था किसान का, सहूलियत के लिए होता कानून, मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं देश के लिए, कैसा लगता है, देश के लिए क्या काम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहा है, देश के लिए नहीं कर रहा, बच्चे ने जब उन्होंने अपनी तरक्की निकल पाई, अपने घरवाली छोड़ दी, बच्चा उनका नहीं है, पोता उनका नहीं, पोती उनका नहीं, देवता उनका नहीं, तो जब वे अपनी तरक्की निकल सके देश की क्या तरक्की करेंगे,
जब उन्होंने अपने अपने घर परिवार की तरक्की नहीं कर सके तो देश की तरक्की कैसे कर लेंगे, हमें विश्वास नहीं उनकी बात पर। लेकिन उन देश के लिए तो घर परिवार भी छोड़ दे सब। नहीं नहीं कोई कोई नहीं छोड़ा, देश के लिए कहाँ छोड़ा उन्होंने। उनकी मम्मी उनके साथ हैं और भाई उनके साथ हैं और घर वाली अहमदाबाद में मास्टर नहीं है तो वो कहाँ छोड़ा घर, उन्होंने नहीं छोड़ा कुछ भी। ये किसने बताया था मास्टर? अरे मैं हाँ अहमदाबाद रह कर आया हूँ, नौकरी करी है मैंने अहमदाबाद में। तुम तो किसान नहीं हो फिर इसका मतलब? अरे किसान के किसान है, रिटायर हो गए किसान ना है, क्या बात कह रहे हो? नौकरी बता रहे ना तुम तो 2012 में रिटायर हो गया हूँ मैं। अच्छा हाँ सर, किसान ही कर रहे हैं? किसान के बेटा किसान ही है। एक बात बताओ तो क्या किसानी करनी है, बड़ी मुश्किल हो गई क्या? मुश्किल हो गई है, मुश्किल हो गई। यूरिया जो 150-200 का आ गया, 350-400 का यूरिया हो गया, जो 800 की डाई 600 की डाई आ गई वो 1200 रुपए की डाई हो गई, तो किसान है का यूरिया डाई से ही तो पैदा ले, और जब वो चीज महंगी है तो कहाँ से करेगा। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं मुट्ठी भर किसान आ गए हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। अरे साले ने मुट्ठी भर लग रहे हैं, ऐसे साले इनको पानी पिला देंगे, साले यहाँ आके हमारा पेशाब पींगे बीजेपी का। हाँ ये नहीं डेंजर। लेकिन ये तो ताऊ टकराव की स्थिति होगी, बात टकराव की तो करनी है ही हमें, टकराव की करनी है, मरने मारने को आए हम लोग। अरे बातचीत से निकलेगा ना रास्ता तो बातचीत यहाँ आवे, बातचीत करें यहाँ तो हमें वो लोग। प्रधानमंत्री कैसे आएंगे यहाँ पर? तो किसी अपने पीए को भेज दे, प्रोटोकॉल होता है ना उनका। ना ना अब दूसरे अमित शाह को भेज दे, अमित शाह को। 2022 में चुनाव है हाँ, यूपी में हाँ, अब क्या लग रहा है कुछ असर पड़ेगा? असर पूरा पड़ेगा, असर पूरा पड़ेगा, वो नहीं जीतेंगे। अब मोदी जी कह रहे हैं मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं तो मंदिर ऐसे सैकड़ों किसान बनवा रहे हैं, किसान के पैसे से मंदिर बनना वो थोड़ी बनवा रहा है। आपने दान दिया था मंदिर में? क्यों नहीं दिया? क्या देंगे? चांदी की ईंट दी है। चांदी की ईंट है का किसान पर होती तो जी है, क्यों आता चांदी की ईंट है कहाँ, क्यों आता है किसान? सड़क पे करता क्या किसान आके? फिर किसान है का मिट्टी की ईंट देता है। अरे का मुद्दा है, मुद्दे से ना बढ़ा। हां हां मुद्दे पे मुद्दे पे क्यों आ रहे हो भाई? हां अरे यार मंदिर मस्जिद की क्यों बात कर रहे हो? बात करो। अरे आगे को यहां कोई भाई मंदिर कोई बनना है यहां? आगे को यहां तो किसान है भैया। जब मोदी जी रैली में वोट मांगने जाते हैं तो वो किसान की बात नहीं करते, वो कहते हैं हम मंदिर बनवा रहे हैं, तो कैसा मुद्दा नहीं है बताइए? वो लगा है तो इन्होंने सोने की ईंट दे दी होगी ना मंदिर है? को बिहार में भी बोलना, हर जगह बोल रहे ना वो, तो कैसा नहीं मान रहे आप? मुद्दा नहीं है ये? नहीं कौन सा मुद्दा नहीं है? ये नहीं कह रहे कि किसान परेशान है, वो कह रहे हैं मैं मंदिर बनवा रहा हूँ मुझे वोट दो। देखिए पहले तो एक बात सुनिए, कभी भी धर्म के आधार पर राजनीति करना कोई सुनिश्चित नहीं है, ठीक है? विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, ठीक है? यहाँ राजनीति का अपना मुद्दा लाओ, ये है किसानों का मुद्दा, ठीक है? इस मुद्दे पे आप मेरे साथ एक घंटा दो घंटा जितने डिबेट कर सकते हो उतनी करो, मुद्दा आधारित बात पूछो, मुद्दे से तो पूछ रहे हैं, मुद्दा आधारित सवाल करो, बताओ। नहीं प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अच्छा कानून है आपकी तरक्की के लिए। अगर अच्छा कानून है, मुझे एक बात बताओ, ये जो दर बदर किसान यहाँ ठोकरे खाते पी रहे सर्दी में, अपना घर परिवार छोड़ के, अपनी खेती बाड़ी छोड़ के, अगर ये फायदेमंद होता तो आज ही यहाँ पड़ते? क्या ये सब इतने बेवकूफ है हम लोग हैं? मैं आपको 50,000 रुपए प्रति मंथ फ्री दे दूँ बिना किसी काम के, और मैं कह दूँ आपकी ये फायदे का सौदा है। समस्या तो ये ना, सरकार तो आपको किसान मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों नहीं है सरकार? ये कहाँ से खा रहे हैं आप? किसान मानते तो आप मुझे आप एक बात बताओ, जब आप सुबह उठते हो, चाय पीते हो, नाश्ता करते हो, दो टाइम का खाना खाते हो, ये कहाँ से अमेरिका से आ रहा है अनाज? अमेरिका से ला रहे हैं आप चावल? धान की फसल का पता आपको क्या हाल हुआ? जब आप उस सिस्टम में आए ही नहीं तो आपको कैसे मालूम हो जाएगा? आपने अध्यादेश पढ़े? तीनों अध्यादेश में क्या लिखा? ये मुझसे सवाल कर रहे हो? हाँ मैं सरकार से भी सवाल कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूँ, आपसे मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ। आपने भी कहा कि सरकार मानने के लिए तैयारी नहीं है किसान। आपको वो किसान मानती तो आपसे मिलने आती है, अपना प्रतिनिधिमंडल को भेजती? मैं आप 20 सितंबर से सड़कों पर हैं, हम आपको यही बात बता रहे, हमारी किसी भी सरकार से कोई जातिगत लड़ाई नहीं है, ठीक? हमारी मुद्दे की लड़ाई हो, MSP हमारी सीधी केंद्र सरकार से लड़ाई हो, हमारी राज्य सरकार से लड़ाई नहीं हमारी, क्यों? हमारी तो आर पार की लड़ाई हो रही है, और क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा? हम अहिंसक तरीके से अपनी बात रख रहे, जबकि यहाँ से प्रशासन के लोग देख लो आप, लाठी डंडा ले को ये इस धरने को अहिंसक बनाना चाह रहे। बताओ यहाँ इतने हमारे किसान भाई खड़े है, किसी के पास आप लाठी डंडा देख रहे? किसी के पास नहीं है। ये सरकार ने जो MSP का प्रावधान खत्म कर दिया, ये षड्यंत्र कानून के तहत
जो मंडी समितियाँ इस देश के अंदर है उन्हें खत्म करने का इरादा है। उसके बाद किसान तो बट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा पूरी तरीके से, जब उसकी मंडी ही नहीं रहने की और उसका कोई वाजिब दाम ही नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री तो बार बार अपने हर जगह भाषण में, स्पीच में हर जगह कह रहे हैं कि मंडियां भी रहेंगी और MSP भी रहेगी। आप मुझे एक बात बताओ, जितनी भी हमारे देश के अंदर मंडी समितियाँ हैं जहाँ किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी में जाता है, ठीक, APMC एक्ट के तहत जो किसान ने किसान की फसल का MSP तय करती थी सरकार, ठीक, मंडी परिसर के अंदर बाजार अलग, मंडी परिसर के बाहर बाजार अलग, सरकार ने कहा हमने बाजार एक कर दिया, अपनी फसल आप कहीं भी बेच दो, तो जो मंडी परिसर के अंदर व्यापारी बैठा क्या वो सरकार को टैक्स नहीं देने का? जब वो किसान की फसल खरीद लेगा तो सरकार को टैक्स नहीं दे रहा? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। अब आप मंडी के बाहर आ जाओ, वाला भी तो देगा, बाहर वाला कैसे दे देगा, बाहर वाला कैसे देगा जब वो मंडी परिसर के अंदर ही नहीं है? नहीं, वैसे तो टैक्स देगा, कैसे देगा टैक्स, आप ये बताओ हमें, अपने बिजनेस का टैक्स तो देगा ना? बिजनेस का कौन सा, बिजनेस का कौन सा टैक्स देगा, आप एक्सप्लेन तो करो, वो कौन सा टैक्स नहीं देता, कंपनी टैक्स नहीं देती है, कहता वो तो परमानेंट आपका जो पैन कार्ड है उससे आप टैक्स दे रहे हैं, सब दे रहे हैं व्यापारी बाहर गल्ला या कोई। हमें आप एक बात बताओ, जो व्यापारी मंडी समिति के अंदर बैठ के, मान लिया मेरी 1,00,000 रुपए की फसल है तो उसको 1,02,000 रुपए में पड़ी और मंडी के बाहर वो फसल पड़ गई 1,00,000 रुपए में, तो मंडी के अंदर बैठ के उस फसल को क्यों खरीदेगा? सवाल ये है, इस षड्यंत्र कानून के तहत मंडी खत्म हो जाएगी, समझ रहे, बाद में खत्म हो जाएंगे मंडी, बाद में कहा तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खत्म हो रही मंडी समिति, ये सारी वहीं तो खत्म हो रही। फिर बताओ बाजार दोनों हो गए क्या? उदाहरण ले लो आप, सरकार क्यों कह रही है आपकी तरक्की के लिए कानून? सरकार तो गूंगी बहरी हो गई, सुनी नहीं रही, गूंगी बहरी हो गई, तभी तो यहाँ पड़े। बिहार के अंदर MSP खत्म करी 2006 में, देखो बिहार के, बिहार का जाके हाल देखो क्या है, वार्षिक है उनकी। पंजाब के अंदर जाके देखो जहाँ MSP आज भी जिंदा, 2,18,000 रुपए वार्षिक है, हो वहाँ की 43,000-44,000 रुपए प्रति वार्षिक है किसान की। कह रही है कि आपको विपक्ष ने गुमराह कर दिया और आप बहकावे में आ गए। ये अराजनीतिक प्रधानमंत्री, अराजनीतिक संगठन है, विपक्ष की तो इस देश में कोई भूमिका है ही नहीं। मुझे बताओ आप विपक्ष कहाँ है इस देश में? ये तो अराजनीतिक संगठन है, अपने जोर शोर से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ दिल्ली आए, ठीक है, नहीं सरकार कब तक नहीं सुनने की? 1 दिन 2 दिन 10 दिन पहले भी बलिदान दिए, आज भी स्थिति टकराव की है, आज भी बलिदान देने के लिए तैयार है किसान। तो आपकी बात आखिर क्यों नहीं सुननी सरकार, वजह क्या है? सरकार हमने बताया तो गूंगी बहरी हो गई सरकार, ये हमारे ही चुनी हुई सरकार है, ये कोई अमेरिका से प्रतिनिधि मंडल नहीं, यहाँ चुन के भेज दे, यहाँ बैठे दिल्ली में, अगर हमने गद्दी पे बैठा दिए तो गद्दी से हम ताड़ना भी जानने, और इसका नजीता भोगना पड़ेगा 22 में भी और 24 में भी। लेकिन जो सिंगी बॉर्डर पे लोग हैं उन्हें कोई बता रहा खालिस्तानी है, यहाँ आए कोई पैसे लेके आए हैं लोग, ये किसान ही नहीं है, किसान तो अपने खेत में है। सरकार गुमराह करने का काम कर रही, ठीक है, नहीं जिस तरह प्रशासन के लोग यहाँ खड़े, किस तरीके से लाठी डंडे इन्होंने हाथ में ले रखे, सिर्फ एक ही कारण हो कि किसी तरीके से जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा इसे हिंसक बनाया जा, जबकि यहाँ से जितने भी सरकार चाहती है, सरकार तो चाह ही रही, सरकार तो चाह ही रही, हम तो यहाँ पूरे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे। लेकिन सरकार तो ये कह रही है ना कि आप निरंकारी मैदान में जाइए, हम बात करेंगे। आप वोट क्लब पे भेज दो जहाँ 32 साल पहले हुआ था, और अपनी तनखा बढ़ाई थी वहाँ इन्होंने बुलाया था, बताओ वहाँ से जंतर मंतर पे क्यों नहीं भेज रहे, रामलीला मैदान क्यों नहीं भेज रहे, भवन थोड़े वहाँ कहीं है, बताओ हमें क्यों नहीं भेज रहे? हमारा विरोध विरोध दर्ज ना हो, हर प्रयास कर रही सरकार, सरकार के जितने भी जनप्रतिनिधि है, जितने भी सरकार के नुमाइंदे है, सब ये चाह रहे कि किसी तरह इनका जो मिशन है। सर ये एक बात बताइए, जो MSP का जो मामला है ये आपको अभी दिक्कत आई है या पहले से ही दिक्कत आ रही है? पहले तो दिक्कत है ही नहीं, पहले तो सरकार ने एक रास्ता था, एक माध्यम थी बीच में व्यापारी के और किसान के बीच में, सरकार एक माध्यम थी कि भाई व्यापारी आप जो है ये सरकार ने MSP तय कर दी किसान की फसल की। दिक्कतें ज्यादा अभी आई है, पहले से दिक्कतें आ रही है भाई साहब, आप पढ़ नहीं रहे, तीनों जजेस आपने पढ़े नहीं, कभी लागू हुई है? पहली बार संसद के अंदर क्वेश्चन आवर खत्म करके इतनी जल्दी बिल ली है और राष्ट्रपति से अंतर्गत साइन करा के कानून नहीं बना दिया। सवाल आप समझ नहीं रहे, ये जो MSP की दिक्कत है ये पहले भी रही है या अभी ज्यादा? ये तो अभी हुई जब MSP की गारंटी खत्म कर दी, आपको पता ही नहीं MSP की गारंटी कब खत्म हुई, जब ये तीनों कानून बनाए। लेकिन ये कानून जो है ये तो प्राइवेट सेक्टर के लिए उन्होंने बनाया, ज्यादातर जो डिपेंड किया है, लेकिन जो सरकारी जो मंडियां हैं उनमें तो वो बार बार प्रधानमंत्री MSP रहेगी उनमें तो।
अब मुझे आप एक बात बताओ, मील सरकारी भी हो गए और अर्ध सरकारी भी हो गए, कल को तो हम भी भाग जाएंगे और सरकारी वाले निकल को। जब सरकार व्यापारी के किसान के बीच में से अपना रोल खत्म कर दिया, अब प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, तो जब किसान की फसल ही नहीं बिकनेगी तो कहाँ जाएगा किसान? किसान तो घर बैठ जाएगा। मेरी लागत 10,000 रुपए आ रही, 6 बीघे में करना पड़े वो, और वो बिक रहा 8,000 रुपए का। इस कानून का 2 महीने में मतलब रुझान दिखने लगे। रुझान ये देख लो, अभी भी धान की फसल हुई, 1800-1900 का रेट था, 800 रुपए बिक रहा धान, और उसमें बता रहे कि जो मॉइस्चर आ रहा है इसमें नमी आ रही, 200 रुपए प्रति क्विंटल उसके काट लिए, 600-700 रुपए बिक रहा। तो जब तो सरकार यहाँ पड़ी सुन नहीं रही दिल्ली में, सरकारी जो मंडियां वो भी अब करने लगी इस काम को। सब कर रहे भाई, पूरे देश में कर रहे, पूरे देश में कर रहे। सरकार ने अपना रोल खत्म कर लिया, जो बीच में उनका रोल था। सरकार जो अपना पक्ष लग रही है, उसकी जो बातें आ रही है, जो उसके बयान आ रहे हैं, लग नहीं रहा कि वो कुछ करने वाली है। कुछ करने वाली नहीं है, तो टकराव की स्थिति होगी, सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि दो ही शख्सियत ऐसी, एक किसान और एक जवान, अगर यही इस देश में बचने के तो कोई शख्सियत ऐसी नहीं है जो इस देश को बचा ले।